أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم तर्जमा ये है और जो लोग तुम में से मर जाएँ और छोड़ जाएँ अपनी औरतें तो वो वसीयत कर दें अपनी औरतों को के वास्ते ख़र्च देना एक बरस तक बगैर निकाह के बग़ैर निकालने के घर से फिर अगर वो औरतें आप निकल जाएँ तो कुछ गुनाह नहीं तुम पर इसमें कि करें वो औरतें अपने हक में भली बात और अल्लाह ज़बरदस्त है हमत वाला और तलाक़ दी हुई औरतों के वास्ते ख़र्च देना है कैदा के मुआफ़िक लाजम है परहेज़गारों पर इसी तरह बयान फरमाता अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने हुक्म ताकि तुम समझ लो इस आयत में जो हुक्म बयान किया गया है उसमें ये है कि जो लोग फोत हो जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ तो उनके लिए ये लाजम है कि पहले वसीयत कर जाएँ यौत होने से पहले पहले वो वसीयत कर जाएँ अपनी बीवियों के लिए वसीयत क्या एक साल तक नफ़ा पहुँचाना मकसद ये है कि एक साल तक वो औरतें जो हैं उस घर में रहेंगी और उनको ख़र्चा भी दिया जाएगा और वारसों को निकालने का हक नहीं है हाँ अगर वो खुद निकलती हैं फ़ैन खर्ज फलाज ना हालक अगर वो ख़ुद निकलती हैं तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं जो वो अपने बारे में दस्तूर के मुताबिक क्या है अमल करे मकसद ये है कि अगर वो चली जाती हैं इद्दत गुजार कर या इजत से मतलब पहले तो अब अगर इद्दत गुजार के तो गई हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं अगर वो दूसरी जगह निकाह करें अपनी मर्ज़ी से लेकिन इद्दत से पहले निकाह करने की इजाज़त नहीं है लेकिन अगर कोई करने लगे तो वो गुनागार होगी निकाह भी नहीं होगा और दूसरों पर भी है जो रोक रोक सकते हैं उसको वो रोकें वल्ल आजीज़ाल हकीम अल्लाह तालबत वाले हैं तो ये आयत जो है असल में इसमें पहले जो जाहिलियत के दौर से एक चला आता था रिवाज और तरीक़ा इद्दत का उसके मुताबिक ये हुक्म आया है जाहिलियत में ये था कि एक साल तक जो है वो इद्दत वफात जो होती थी कि खामद अगर फौत हो गया तो पूरा साल इद्दत होती उनकी उस साल में फिर वो भी साल में बड़ी मशक्क़त से मुसीबत से बेचारी एक कोठड़ी में रहती थी अजीब व ग़रीब उन्होंने क्या है उस औरत को बनाया हुआ था बेचारी को <खँँँ> बुरे हाल में रहती थी अलग थलग रहती थी फिर साल के बाद कोई मेंगनी फेंकती थी फिर कहते हैं अब इद्दत गुजर गए अजीब जालियत के दौर में था तो चूँकि बहरहाल साल इ्दत तो चल रही थी और एक वजह तो ये थी तो इस्लाम में आकर इद्दत को कम कर दिया गया कि इद्दत वफ़ात जो है वो चार महीने और दस दिन है जैसे एक पिछले रकूह में इसका ज़िक्र जिक्र आया था या तो रबानसैन अरबात आशरा एक बात तो ये थी दूसरा मसला ये था कि जाहलीत में जो है बीवी के लिए कोई विरासत शरासत भी नहीं होती थी बल्कि उमूमा ये होता था कि विरासत ना माँ बाप के लिए होती थी ना क्या है बीवी के लिए होती थी बल्कि दूसरे ले जाते हैं जो उस जमाने के थे औलाद वगैरह कुछ और होते तो इस वास्ते इनको तब हिस्सा मिलता था बीवी को या इस तरह दूसरों को जो वारिस नहीं शुमार किए जाते थे चाहे इनमें हैं करीबी रिश्तेदार तो उनके लिए वसीयत करना था कि वो वसीयत खामद कर जाए तो फिर उनको मिलता था तो उसी दस्तूर के मुताबिक इस आयत में ये फरमाया गया कि खामदों पर लाज़िम है कि वो वसीयत कर जाएँ जी बदरुन अजवाजन वसीयत अजवाज हम यहाँ वसीयत से पहले फेल फ़िलुमक़दरन फल यूसु वसीयता तो ये वसीयत अजवाज ये मफूल है यूसु मुक़दर का और मतन अल हौल जो है ये उसी का बयान है यानी वसीयत क्या चीज़ हो साल तक नफ़ा पहुँचाना तो नफ़ा पहुँचाने से मुराद आगे उसका बयान है यानी गैर अखराज यानी उनको घर से नहीं निकालना जिस घर में वो रहती थी खामंद की मौजूदगी में अब खामंदोत हो गया तो अब उसको निकाला ना जाए यानी दूसरे वारसों को कहा जा रहा है कि तुम इसको ना निकालो तो बहरहाल ये हुक्म उस वक़्त के ज़माने का है लेकिन बाद में इद्दत भी कम हो गई जी एक साल की बजाय जी चार महीने दस दिन बच गई और इस तरह औरत को जो विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था अब उसको हिस्सा भी मिलने लगा जैसे सूरत नशा में आगे आ रहा है कि अगर खावंद की औलाद है तो फिर तो औरत को आठवा हिस्सा मिलेगा अगर औलाद नहीं है तो औरत को चौथा हिस्सा मिलेगा तो अब ज़ैर बात है इसको विरासत में भी, भी हक मिल गया और इसी तरीके से क्या है इद्दत भी कम हो गई तो लिहाजा मुफसरन ये कहते हैं कि अब वो जो था मसला वसीयत का अब वसीयत इसके लिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि वसीत तो गैर वारसों के लिए होती है अब जब औरत वारिस बन चुकी है तो अदीसमियातला वसीयत वारसिन वारस के लिए वसीयत नहीं है तो लिहाज़ा ये आयत मनसूख हो गई तो अब ये ख़र्चे की और सुकुना यानी रिहायश की जो वसीयत थी वो उसका हुक्म ख़त्म हो गया लिहाजा इसको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा फ़ैन ख़राजना फ़ला फालना फियान फसहनाम आरूफ हाँ अगर वो खुद जाती हैं तो फिर ठीक है ये न रोकें कि असल ख़ुद निकाल नहीं सकते थे लेकिन औरत का चूँकि अपना हक है वो चाहे रहना चाहे तो रहे जी ख़र्चा भी उसका हक़ हाँ है रेस भी उसका हक हाँ है और अगर जाना चाहे तो चली जाए बेशक चली जाए वल्ल आज़ीज़ुल हकीम अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं हमत वाले हैं तो जो अकाम वो नाजिल करते हैं वो होते हैं और बाद हज़रात ने जिन्हें हज़रत मौलाना हुसैन अलिब रहा जी वड़े इसीब दौर के मुफसर थे वो फरमाया करते थे कि मनसूख मानने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अब जो है ये हकम इसत है मतलब ये कित जिस घर में रह रही थी तो खाद की वफ़ात के बाद चार महीने दस दिन तो उसने वहाँ गुजार नहीं है लेकिन अगर साल तक वह निकालें तो मस्तहब है लाजि नहीं है इसत पर अगर मामूल कर लिया जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है तो इसलिए इस सूरत में मनसूख मानना ये लाजि नहीं होगा ज़रूरी नहीं होगा आगे वलिनमत मतः उम्बिलरूफ़ हक्न आलमतिन और जिन औरतों को तलाक़ मिल गई है उनको नफ़ा पहुँचाना है दस्तूर के मुताबिक और ये हक है परहेजगारों पर लाजम है यही किस पर मतकीन से मुराद परहेजगार मुराद मोमिन है तो अब ये कौन सी मुतलक़ात मुराद हैं तो इस मुतलक़ात से मुराद जो हैं सारी मुतल हैं जिनको भी तलाक मिली है चाहे रजी मिली है चाहे बैना मिली है चाहे मुगलज़ा है अब मताउन से मुराद क्या है तो इस सिलसिले में नफ़ा पहुँचाना एक आम सा लफ्ज़ है तो इसका माना भी आम सा है इसलिए नफ़ा जब पहुँचाने की जो भी सूरतें होंगी वो इसमें दाखिल होंगी एक तो है वो मुता जिसका जिक्र पहले गुजरा है जी कि मते वो नारलमूस कदर वह आरल मुख्तर क़दर हो तो उसमें असल में मुख्तल अकसाम हैं मुतलक़ात की एक किस्म तो वो है जिसका जिक्र हुआ इसी रकू की इब्ता में कि जिसको तलाक़ मिल गई लेकिन खावन बीवी इकट्ठे नहीं हुए थे और माहर भी मुकर नहीं हुआ था तो उस सूरत में सिर्फ क्या है एक जोड़ा जो है वो लाजिम है और ये वाजिब सूरत एक ही है बस जोड़ा देने की और जिसका महर मुकरर हो चुका था दूसरी शक्ल ये आई थी और उसके खामंद ने उसको तलाक दे दी और इकट्ठे नहीं हुए थे तो अब वो कह महर मुकर था तो उसका नसफ देना पड़ेगा ये दो इसी रकूक इब्तदा में बयान हुई अलबत दो और जो हैं जी मसला जिसका महर भी मुकर हो चुका था और खामद बीवी इकट्ठे भी हो चुके थे और खिलवा सयाह हो चुकी थी अब इस सूरत में माहर मुकर जो था वो देना लाजिम है तो वो मत मुराद है कि उनको पूरा पूरा मार दिया जाए और जिसके क्या है निकाह होने के बाद खावन बीवी इकट्ठे हो गए सोबत खिलवत सैया वगैरह भी हो गई लेकिन माहर मुकर नहीं था तो इस सूरत में फिर माहर मिसल होगा तो ये फ़िका में मुमरण है वाज मिसल यही होता है कि ये औरत जो है जिसको इसने तलाक दे दी है तो इस जैसी इसकी ख़ानदान की औरतों का जो माहर होता है तो ये मशहूर होता है जी कि इस जैसी मालो जमाल वाली इस जैसी ख़ानदानी शराफत वाली जी यानी उसी के अपने ख़ानदान की जो औरतें हैं उस उम्र की उसके मुताबिक जो है उसको महर दिया जाएगा तो इस सूरत में तो ये लाजमी है सारी चीज़ें अलबा अगर सिर्फ जोड़ा मुराद लिया जाए तोहफा वगैरह तो सूरत में पहली किस्म जो यानी निका से के बाद इकट्ठे नहीं हुए और माहर भी मुकर नहीं था तो उस सूरत में उसके लिए तो जोड़ा वाजिब है बाकी तीन किस्में जो बयान हुई अभी उनके लिए जो जोड़ा जो जो देना मस्तहब तो है वाजिब नहीं है बाकी ख़र्चा रह गया खर्चा मुराद लिया जाए तो इद्दत जिनकी वाजिब है ना तो उनका खर्चा भी वाजिब है हाँ जिनकी इद्दत नहीं है तो फिर खर्चा भी नहीं है क्योंकि जिसको कबल मसीस और कबल खिलौत सह क्या तलाक मिल गई तो ज़ाहिर फिर उस पर इ्दत ही नहीं है फमाल कमालमत इनता तदून हा जैसे आगे सूरत आजाब में आएगा तो इद्दत ही नहीं है तो लहजा उनका ख़र्चा भी नहीं है दोबारा इस सूरत में फिर क्या है हक़ नालतकीन फरमाइए लाजम मदतकीन पर तो पहली जो सूरतें बयान की उस पर तो फिटाता है लेकिन बाकी सूरतें जिनमें इसबाब है तो उस सूरत में हक् जो है ये ताक़द के लिए सिर्फ़ होगा लुजूम वजूब के लिए नहीं होगा और आलाबी इल्ज़ाम के लिए नहीं होगा आगे फरमाया कदा के जुबैनकुम आयात इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम समझो तो मकसद ये है कि ये जितने अहकाम पीछे गुजरे हैं जी और आयात अल्लाह ताला ने क्या जिक्र फरमाई हैं बयान फरमाई हैं ये तुम्हारे लिए है वो अहकाम है ताकि तुम समझो और फिर समझने के बाद मुराद ये है कि अमल भी करो और अपनी आखरत को क्या है बना लो तो अल्लाह ताल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम पर सही सही आमल करने की तोफ़ी नसीब फरमाए व आफिर दावाना अलहद लबीन